अरे भाई, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों खड़ा है? कोई बात हो गई क्या? यार कुछ नहीं, मैंने सुना है मोटूराम का रिश्ता तय हो गया है, उसकी शादी होने वाली है। जबी से थोड़ा दिमाग अपसेट है। अरे तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली बात कौन सी है? अच्छी बात है, दावत खाने को मिलेगी। अरे यार, तुझे दावत की पड़ी है? मुझे तो लगता था ये मोटूराम का कभी ब्याह ही नहीं होगा, ये हमेशा कुंवारा ही मरेगा। और अगर उसका ब्याह हो भी गया तो वो फिर हमको चढ़ाया करेगा कि देखो तुम अभी तक कुंवारे हो और मैं शादीशुदा हूँ। हाँ यार, ये तो बात सही कह रहा है। देख, सामने से मोटूराम आ रहा है। अरे भाई कैसे हो? और मौज में हो ना? मेरी शादी होने वाली है, तुम्हें शादी में दोनों को चलना है? अरे भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम हमारे यार हो, तुम्हारी शादी में नहीं जाएंगे तो किसकी शादी में जाएंगे? हम तो जाएंगे और खूब नाचेंगे भी। जब से सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है। अच्छा भाई, मैं जल्दी में हूँ, चलता हूँ। शादी का नोता और लोगों को भी देना है। अरे यार, पता लगा इसकी शादी कहाँ से हो रही है? चल के इसकी खोटी करेंगे, इसकी शादी नहीं होने देंगे हम। चल, मुझे पता है इसकी शादी कहाँ से हो रही है, वहाँ चलते हैं और इसकी बुराई करके आते हैं। अरे भाई तुम कौन लोग हो और हमारे घर पे क्यों आए हो? तुम्हें क्या काम है? अंकल जी, हम मोटूराम के दोस्त हैं। मैंने सुना है मोटूराम की शादी आपकी लड़की से हो रही है। हम यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा थोड़ा होते हुए चलें। हाँ भाई, मोटूराम की शादी हमारी लड़की से ही हो रही है। बड़ा ही भला और नेक लड़का है। हमारी लड़की राज करेगी, राज। हाँ अंकल जी, भला लड़का तो है, बस शराब पीने के बाद थोड़ा बहक जाता है और गुस्सा करता है, मारपीट करता है। अगर शराब ना पिए तो बहुत ही नेक लड़का है वो। क्या कह रहे हो, मोटूराम शराब पीता है? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं आंटी जी, शराब वो रोज नहीं पीता। जिस दिन जुए में हार जाता है उस दिन दिमाग में टेंशन ज्यादा हो जाती है, उसी टेंशन को खत्म करने के लिए बस पी लेता है। क्या बात कर रहे हो, मोटूराम जुआ भी खेलता है? नहीं आंटी जी, कभी कभी जब दो नंबर का पैसा होता है तो वो हाथ में रुकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं तो खर्च होता है। जब वो चोरी करता है और ज्यादा माल खींच लेता है तो जुआ खेलने चला जाता है। वैसे लड़का बहुत भला है मोटूराम, आपकी लड़की को हमेशा खुश रखेगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो, मोटूराम देखने में तो बड़ा भला लगता है, उसने आज तक कभी किसी लड़की को नगाह उठा के नहीं देखा, मुझे तो नहीं लगता। हाँ आंटी जी, भला आदमी तो है वो, उसके 10 लड़कियों से ज्यादा अफेयर चल रहे हैं, किसी लड़की का दिल नहीं दुखाता, सभी का सम्मान करता है, सभी के साथ रहता है। हेलो अंकल जी, अब हम चलते हैं, शादी वाले दिन ही आएंगे, उसी दिन आपसे मुलाकात होगी, खूब नाच गाना करेंगे, आपको भी हमारे साथ नाचना पड़ेगा। शादी? कौन सी शादी? अरे मैं अपनी लड़की को उम्र भर कुंवारी रख लूंगा लेकिन मोटूराम के साथ शादी नहीं करूंगा। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा है मेरी लड़की जिंदगी भर कुंवारी रहे। अरे अंकल जी, ऐसी बातें क्यों करते हो? हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल गई क्या? वो तो बहुत भला आदमी है, आप अपनी लड़की की शादी उसी से करना। ऐसा है, तुम दोनों भी यहाँ से तेज निकल जाओ, वरना मोटूराम के साथ तुम लोगों को भी पीटूंगी, अब कोई शादी नहीं होगी। आंटी जी गुस्सा मत होइए, हम चलते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, और मोटूराम को कभी ये मत बताना कि हम लोग यहाँ पे आए थे, वरना वो खामखा हम पे शक करेगा।